नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों के साथ। मुरादाबाद के पीतल नगरी क्षेत्र में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़े करते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के पीतल बस्ती क्षेत्र में सरकारी 12 के पास कुछ लोग सब्जी और रेहड़ी पटरी लगाकर पिछले 25 वर्षों से अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद रानी सैनी का कहना है कि कुछ लोग यहां की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यह जमीन नगर निगम की है और नगर निगम की जमीन पर अधिकारी कब्जा करा रहे हैं। वहीं ACM फर्स्ट राज बहादुर का कहना है कि यह जमीन 99 साल के पट्टे पर जिला प्रशासन द्वारा लीज पर दिया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन नगर निगम की जमीन को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की कार्यवाही पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कब्जा कर रहा है और कौन कब्जा हटा रहा है। काम पे अच्छा आप लड़िए भैया, तुम भी पीछे हो जाओ। अरे पीछे अम्मा लगातार मैं आपके साथ 2 घंटे से लग रहा हूँ। आपके लिए पर्याप्त समय दिया, आपको समझाइए और पहले भी समझाया, दोबारा भी समझाया, तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मना नहीं करा आपने, कहा पूरा कोशिश करी अनावश्यक रूप से यहाँ पे निवास करने की। इसमें कोई शक्ति बात नहीं कि आपने जानबूझ के पूरा प्रयास किया कि यहाँ पे एक ड्रामा किया जाए। आज जो विक्रम अभियान चलाया जा रहा है, तो ये किसके आदेश से हुआ है? ये सर शासन के आदेश से, सर वो शासन के आदेश से हुआ है कि ये सर ऐसा है कि ये 24.01 एकड़ भूमि शासन की है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ उसकी है, यूपी की है, और इस पर जो अवैध कब्जे वाले हैं ना, उनका समझ आ गया। इसमें चुनाव आचार संहिता जो लगी हुई है, इसमें भी आप अभियान चला रहे हैं? अभी इसमें बातें भी नहीं कर रही है। हमने 2-3 सांसद बहुत लोग दिए, सब कुछ कान से लोग हटाते नहीं है, अभी मजदूरी में करना पड़ता है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में और कौन कौन मौजूद है यहाँ पर? अरे सर, अब तो मैं अकेला हूँ, साहब तो गए हुए हैं सर, तो क्या सर बैठे सर काम से गए हैं सर, फिर बताइए आपको आदेश। क्या नाम है आपका? निशांत शर्मा जी। क्या मामला है? क्या मामला यह है, ये सब ट्रांसफर कॉरपोरेशन की जगह है, सरकारी संपत्ति है, मैंने 90 साल के पट्टे पर इसे जो है अलॉटमेंट कराया है, और जो है करीब मैंने जो है 4-5 साल से जो है मेरा अलॉटमेंट करा रखा है। इससे पहले इस पर कब्जा था, वो व्यक्ति कर चुका है, तो दूसरे लोगों ने आगे यहाँ पर कब्जा जमा लिया, और जो है इसके मेरे पास रजिस्टर लीज भी है, सारे कागज मेरे पास, ठीक है, सरकारी संपत्ति है। अच्छा, ये कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नोटिस पहले ADM मीटिंग साहब आके कह के गए थे, उनके फोटो भी जब रखे हुए, जब ADM मीटिंग साहब इनसे कह के गए थे, समझे, यहाँ पे प्लास्टर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने भी अपना क्या कहते हैं दौरा करा था, उन्होंने भी इन्हें कहा था, बोले आप हटा लीजिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इन्हें कई बार कह चुके हैं, लेकिन आज आके कार्रवाई हुई है, नोटिस तो इन्हें कई बार दे दिया जा चुका है, जबकि मेरे पास फोटो काफ़ी मौजूद है उसके, जब ADM मीटिंग साहब यहाँ पर आए थे कहने के लिए। तो अब जो है प्रशासन ने आपको यहाँ दिला दिया है? हाँ, कब्जा दिलाने के बाद यह भी जो है क्या कहते हैं प्रशासन ने क्या ACM साहब, ADM साहब और DM साहब का सहयोग उसमें रहा, उन लोगों ने पूरे कागज़ देखने के बाद में सब शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस फोर्स के साथ में जो है खाली कराने के लिए आ गए।
मैम क्या मामला है, क्या हुआ है? आज तहसील फर्स्ट है, वो प्रशासन है, ये नगर निगम की संपत्ति है, ये ट्यूबवेल बना हुआ है और ये कब्जा कराने आ गए निशान शर्मा। किस आधार पर? ये पता नहीं किस आधार पर, जब नगर निगम का यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ तो ये किस आधार पर कब्जा करा सकते हैं, ये तो ये बताएंगे कौन निशान किस आधार पर कब्जा कराएंगे। ये नगर निगम की संपत्ति है, जब नगर निगम का ट्यूबवेल लग जाता है और सारी वो हो जाती है तो नगर निगम जब ट्यूबवेल लगाता है तो उसे अपनी संपत्ति बना के तो ट्यूबवेल लगाता है। नहीं, ये निशान और ये कब्जा कराने आ गए कौन है निशान? ऐसे हम फर्स्ट है और प्रशासन निशान शर्मा को कब्जा कराने आए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ नगर निगम की संपत्ति बचे, वो तो कब्जा धोरी दुकानें धोरी बने, वो दुकानें बनाना चाहता है, गरीब आदमी है, वो सब्जी लगा रहे थे, जो गरीब आदमी एक धुना था 20-25 साल पुराना था, उसे भी हटा दिया, उसे रोड पे ला दिया है, तो ये थोड़ी होती है आचार संहिता में, क्या इन्हें यह अथॉरिटी है कि ये यहाँ पे आके कब्जा हटाएंगे कब्जा कराएंगे? आप इस पोस्ट पे मैम वाले निशान शर्मा कौन है? निशान शर्मा पूर्व पार्षद है, उसकी पहले से ही रही है कब्जा कराने के लिए। तो अब अधिकारी वगैरह इसमें आ रहे हैं बातचीत खुद? नहीं भाई, दोबारा अधिकारी यहाँ आ रहे हैं अब क्या मतलब? अधिकारी नगर निगम की मैंने टीम बुलाई है, नगर निगम की मेयर साहब से बात हो गई, नगर निगम की टीम आ रही है। ये आपकी ब्रश कॉर्पोरेशन जो आपकी ब्रश कॉर्पोरेशन ऑफ लैंड की है, उनको आपका क्या नाम, ये वाले लैंड की उसका अधिक्रमण था, इसके संबंध में ब्रश का आपके ब्रश कॉर्पोरेशन वाले भी अधिकारी साथ में हैं, ये वाली जमीन पे आपका लीज पट्टा हुआ है जिसके आधार पर इनके द्वारा स्थायी प्रकार का कब्जा किया है, जिसको हटवाया है। कितना कब्जा मुक्त कराया गया था, कितना एरिया था, कितनी लैंड? ये आपका दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर एरिया तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका क्या नाम है, यहाँ पे बाकी जो लैंड है ये हिस्सा आपके जो ब्रास कॉर्पोरेशन वाले जो बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो कब्जा है इसको हटवाया है। सर, ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन के साथ साथ ये आप देख रहे हैं पीछे की तरफ हाइडल डिपार्टमेंट की जमीन भी है, ये ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन कब्जे में है काफी टाइम से। जब ये जानकारी संज्ञान में आया तो मेरे साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि ठीक है आपका क्या नाम है जो यदि नगर निगम को जब तक आपके नगर निगम के द्वारा यहाँ पे टीम को भेज दीजिए और भेजने करने के बाद में यदि नगर निगम की है तो तब भी आपका आप अवैध रूप से अध्यासी को तो हटाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा, जहाँ तक मेरे संज्ञान में मैं जा रहा था रुकिया, जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है तो ये जो धुना वाली आराजी है ये ब्रास बियर की आराजी है और ये निशांक शर्मा के नाम ब्रास बियर में रजिस्ट्री की, इस उपलक्ष्य में कई बार कहा गया और इसी अब भत्ता है, उन्होंने कब्जा दिलवा दिया। ये जो सब्जी वाले हैं इनके कब्जे का कोई अभी आधार नहीं है, अभी ये गवर्नमेंट शासन खाली करा रहा है प्रशासन, उसके बाद निगम ये तय करेगा कि निगम की प्रॉपर्टी है या ब्रासबेट की प्रॉपर्टी है। ब्रासबेट की प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री है वो निशांत शर्मा के नाम है, अगर उनके नाम होगी तो प्रशासन उन्हें कब्जा दिलाएगा, नहीं नगर निगम को कब्जा दिलाएगा। बहरहाल सब्जी वालों की दुकान पर भी कोई विवाद नहीं। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पहली नजर।